आधार कार्ड प्रिंट आउट करेंगे आपका, ठीक है ना। तो इसको बीच में रखेंगे, लिखा हुआ ऊपर रहेगा, है ना। इधर है। लिखा हुआ इस तरह, एरो का मार दिया ना, लिखा हुआ इधर हो गया। तो ये गलती डाल दिया इस वजह से, लिखा हुआ इस तरफ रहेगा और बीच में डालिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला स्कैनर यहीं तक मूव करेगा। अब इतना दूर मूव करेगा, अब इसके बीच में आप जहाँ भी आपको सुविधा लगे अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये कंपनी का डिफॉल्ट किया हो रहा था, ठीक है। अभी कार्ड में जाएंगे ना, आईडी कार्ड कॉपी, ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे। टू साइड पहले ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, टू साइड ऑफ, फिर आईडी, ठीक है ना। टू साइड ऑफ कीजिएगा, ऑन अगर रहेगा उसके बाद फिर आईडी में जाइएगा। आईडी में क्लिक कीजिएगा, आईडी आ गया यहाँ पे, आईडी कार्ड। अब हम मारेंगे कॉपी, ये स्कैन करेगा, तुरंत स्कैन कर दिया, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर से जरूरत करेंगे। ये तुरंत स्कैन कर देते हैं, है ना, यहीं से मूव होकर चला जाता है। अब ये प्रिंट आउट निकलेगा, ठीक है। तो एक ही बार में ये दोनों प्रिंट आउट कर दिया, कोई दिक्कत है ना। ये अपने हिसाब से डिफॉल्ट यहीं पे करेगा, चेंज नहीं कर सकते इसको। चेंज करने के लिए अपना दिमाग लगा के चेंज कर लीजिएगा। ये हो गया आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड भी कर सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पैन कार्ड, सब मतलब वन टच में हो जाएगा।